वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, परफेक्ट कंपनी का है फैंटम 10 की अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम। 6.5 इंचेस सबवूफर है इसमें और 3 इंचेस के इसके स्पीकर्स हैं। सबवूफर जो है वो तकरीबन 45 वॉट्स आरएमएस का है इसके अंदर, और स्पीकर्स जो हैं वो 15 वॉट्स के हैं। टोटल कैलकुलेशन इसकी तकरीबन 75 वॉट्स आरएमएस की बनती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, औसम है। इसका प्राइस अपडेट हुआ है, इसलिए हमें अनबॉक्सिंग की दोबारा करनी पड़ी है। तकरीबन 4000 रुपीज़ कंपनी ने बढ़ाया इसके ऊपर, 14000 रुपीज़ का ये हो गया है पाकिस्तान की मार्केट्स में रिटेल प्राइस इसका, और पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगा। बड़ा सेट है, बिग सेट है, जैसे कि आपको कार्टन से अंदाज़ा हो रहा है इसके कि अच्छा बड़ा सेट है। ठीक है जी, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। प्राइस अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ इसका। परफेक्ट कंपनी है, परफेक्ट कंपनी का स्टॉक बेहतर है, काफ़ी बेहतर है चाइना के दूसरे स्पीकर्स के मुकाबले में, और इस वक्त थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा है आजकल मार्केट में। अच्छा जी, ये इसके अंदर से रिमोट आ गया है इसका, ये आ गया जनाब, एक अदद रिमोट है जो कि फुल लोडेड है तमाम तर फीचर्स फंक्शंस के साथ है। एक अदद केबल है वन प्लस टू की, और एक अदद इसमें वारंटी कार्ड है परफेक्ट कंपनी का। ठीक है जी, ये सेट आ गया है, बाकी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं बाकी सामान को। सबसे पहले इसके स्पीकर्स बाहर निकाल लेते हैं। स्पीकर्स जो हैं वो इसके RGB लाइट्स के साथ हैं, इसके अंदर लाइट्स जलती हैं। एक स्पीकर एक्टिव है, दूसरा स्पीकर जो है वो इसका सपोर्टिंग के लिए, जब बेस चलेगी तो वो वाइब्रेट करेगा, थोड़ा सा बेस को इंक्रीज़ कर देता है ये। ठीक है जी, ये भी आ गया है। मैं इसको मॉडल को बोलता हूँ बटरफ्लाई मॉडल, तो बाकी मैंने नाम गलत नहीं रखा है, बटरफ्लाई मॉडल है। इसकी जो लाइट है, अब आप लोग भी देखेंगे जैसा कि बॉक्स पे दिखाया गया है, RGB लाइट जो है वो सबवूफर पे बिल्कुल बटरफ्लाई की डिज़ाइन की तरह है। ठीक है जी, ये इसका सबवूफर आ गया है, सबवूफर को खोल लेते हैं। ओके जी, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है मुझे अनबॉक्सिंग करने में जिस वक्त मैं पैकेट खोल रहा होता हूँ। ये गुड, देखें आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो ज़बरदस्ती नहीं है उसको लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, और आप डिसलाइक भी कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या गलती की है। हमारा बेसिकली जो चैनल का मकसद है वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बेचना हमारा मकसद नहीं है, हम सिर्फ आपको बताते हैं। ऑनलाइन का काम हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए आप फ़ोन करके हमसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है, कोई भी मालूम लेनी हो आप मुझे बिला झिझक फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया जनाब इसका साइड में 6.5 इंचेस का सबवूफर, ये आ गया इसका होल जहाँ से ये एयर लेगा सबवूफर अपना काम करने के लिए, और ये आप देख सकते हैं इसका MDF बहुत ही थिक है, और ये देख सकते हैं, और कम से कम भी इसका MDF जो है वो 12 से 13 mm MDF इसका यूज़ किया गया है, और जो कि अच्छा है गेज, बहुत अच्छा गेज है, बेस बहुत अच्छी बनाएगा, जितना कैबिनेट हैवी होगा उतनी बेस अच्छी बनेगी। ठीक है जी, ये FM का वायर आ गया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है DC आउटपुट, इसमें इसके वायर लगेंगे ब्लैक वाले, जिससे आप इसकी लाइट ऑन कर सकते हैं जो कि RGB लाइट है। ठीक है जी, ये इनपुट आउटपुट आ गई है, इनपुट में आप कंप्यूटर DVD TV कुछ भी लगा सकते हैं, आउटपुट में आपके स्पीकर्स कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ, इसके पैनल की तरफ। तो पैनल पे अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइट है ये RGB लाइट है पूरी, जो आपको नज़र आ रही है ये RGB लाइट है इसकी, ये पूरा इन्होंने पियानो ब्लैक यानी कि ग्लॉसी में दिया है। ये इसकी डिजिटल इसकी स्क्रीन है जहाँ पे इसके नंबर वगैरह आएंगे। मेन वॉल्यूम आ गया है, मास्टर ट्रेबल आ गई है, बेस आ गई है। ठीक है जी, बाकी फंक्शंस के लिए जो है वो ये बटन्स हैं, इसमें बटन से आप इसकी इनपुट चेंज कर सकते हैं, सेकेंड प्ले पॉज और नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा फ्रंट पे टॉप लोड पे हम देखेंगे तो इसमें USB और मेमोरी कार्ड का फंक्शन दे दिया गया है। ओके जी, अब इसके स्पीकर्स की बारी है, स्पीकर्स को खोल लेते हैं इसके। ओके जी, ये इसके स्पीकर आ गए, स्पीकर की शेप बहुत ही खूबसूरत है और टॉल है, तकरीबन 15 इंच टॉल है ये या 16 इंच टॉल है, और पीछे दो वायर नज़र आ रहे हैं, एक ब्लैक है, ये DC है यानी कि लाइट के लिए, और ये इसके वॉइस के लिए, वोकल के लिए। दो स्पीकर आपको नज़र आ रहे हैं, एक्टिव स्पीकर है और सेकंड सपोर्टेड है।
इसका जो MDF है ये भी वुडन क्लोजर है, इनक्लोजर है पूरा वुडन का बना हुआ है MDF का, और इसका जो गेज है वो तकरीबन 8 mm का इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारा दूसरा आ गया है स्पीकर। स्पीकर्स को लगा लेते हैं सेट को, ताकि आपको एक छोटा सा साउंड डेमो भी दे दें। आजकल पूरे पाकिस्तान में बारिशें चल रही हैं, अगस्त का महीना है जिसमें हम ये वीडियो बना रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहे हैं। ओके जी, कनेक्ट कर रहे हैं हम, वायर अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हैं उन्होंने, DC वायर भी, और अच्छे गेज के हैं, मोटे गेज के हैं, जैसे होने चाहिए स्टैंडर्ड गेज इसका। बाकी हम चाइनीज़ जो स्पीकर्स होते हैं उसको आप कभी भी ब्रांडेड कंपनीज़ जो हैं वो उनसे कंपैरिजन नहीं किया करें। पैनासोनिक हो गया, JBL हो गया, लोग हमसे पूछते हैं कि JBL अच्छा है, पैनासोनिक अच्छा है या ये अच्छा है। ये अपनी कैटेगरी में अच्छा है, 14-15 हज़ार तक की रेंज में बहुत अच्छे सेट हैं। इस रेट में ब्रांडेड कंपनी कोई भी आपको नहीं देगी सेट। ठीक है जी, ओके जी, सेट आ गया। ये जो लाइट है ये जब इस पर बेस आएगी, वोकल आएगी, तो उसके साथ ये मूव करेगी लाइट। ठीक है जी, ट्रैक चेंज करके देख लेते हैं। ओके जी, बेस बढ़ाते हैं, अब इसके ट्रेबल को बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये जो नीचे वाले स्पीकर्स हैं ये भी मूव कर रहे हैं, इसके साथ चल रहे हैं आई थिंक, लेकिन इसकी शेप से आइडिया होता है कि ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और ये बिल्कुल लाइट लगे हुए हैं। मे बी पॉसिबिलिटी है कि नीचे भी चल रहे हों। ओके जी, साउंड डेमो हमारा कंप्लीट हो गया है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट, हल्की क्वालिटी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्राइस ध्यान में रखिएगा इसका, 14,000 रुपीज़। अल्लाह हाफिज़।